मैं सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सोयाबीन को बॉईल करके इसका पानी निचोड़ लिया है। फिर हम दही लेंगे, उसमें हम रेड चिली डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, फिर ये सब्जी मसाला, जीरा पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला का घोल हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम ये सोयाबीन को अच्छे से डाल के सारी को मिक्स कर लें। सोयाबीन अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है। इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। सोयाबीन ने सारा मसाला अब्सॉर्ब कर लिया है। ये 15-20 मिनट हो गया है। अब मैं इसका ग्रेवी रेडी करूँगी। मैं इसमें एक आलू ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में ये आलू कट कर लिए हैं। और ये तेल गरम हो गया, इसमें मैं तड़के के लिए सौंफ और जीरा ऐड करूँगी। ये सब्जी मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी। ये तड़के में ही मैं मसाला ऐड कर दूँगी, ये मीट मसाला और रेड चिली, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और मसाला ऐड करते समय गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। ये सब्जी में बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन प्याज ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ये कटा हुआ आलू इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को, मसाला और ये आलू दोनों को साथ में हम पकाएंगे। मसाला से तेल ऊपर आने लगा है, लेकिन आलू नहीं पका है, तो हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन बंद करके आलू को पकाएंगे। सब्जी को हम चेक करेंगे। ये आलू हमारा पक गया है। अब इसमें हम ये बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। इसे हम ढक्कन बंद करके तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा टमाटर गल ना जाए। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। सब्जी को हम चेक करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। ये टमाटर गल गया है, इसमें हम ये सोयाबीन ऐड कर देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया है, सब्जी को हम चेक करेंगे। ये सारा मसाला और सोयाबीन आलू सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए अपने अनुसार से इसमें पानी ऐड कर देंगे। हम ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे ही 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। ये सब्जी हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बनके तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, ये बिना लहसुन प्याज का सोयाबीन और आलू का सब्जी हमने बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।